नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मसल, पेशीय संरचना। मसल क्या है? मसल्स हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी पाई जाती है, यानी संकुचन की क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार की सभी कोशिकाएं जिसमें संकुचन की क्षमता पाई जाती हैं और उसके कारण जितने भी प्रकार के मूवमेंट होते हैं, जो गति है, जो हमारे बॉडी के एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे के सारे इन मसल्स सेल के द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो ये मसल्स हमारे शरीर के अंदर तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है जो हमारी हड्डियों के साथ में जुड़ करके और हड्डियों को मूवमेंट देती हैं। दूसरी होती है जो हड्डियों के साथ में जुड़ी हुई नहीं है, यानी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तीसरी होती है हमारी हार्ट की मसल्स, हमारी जो हार्ट वॉल है उसकी कोशिकाएं, इसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, हृदय की कोशिकाएं कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की कोशिकाएं किस किस प्रकार से भिन्न होती हैं, उनमें क्या अंतर होता है और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है, वो आज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो मसल है वो है स्ट्रिप्ड मसल, जो कि बोन्स के साथ में जुड़ी होती है। स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड मसल्स, हिंदी में इसको रेखीय पेशियां कहते हैं। दूसरा होता है अनस्ट्रिप्ड मसल्स, जिसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। तीसरी होती है कार्डियक मसल्स, यानी हार्ट की पेशियां। तीनों में क्या अंतर है? पहला जो है स्ट्रिप्ड मसल्स, यानी अगर कोई कोशिका मसल्स की है उसके अंदर स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, स्ट्रिएटेड है, उसमें अगर उसको पोलराइज्ड लाइट के नीचे रखते हैं तो उसमें अलग अलग स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, अलग अलग धारियां दिखाई देती हैं, तो उस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो स्ट्रिप्ड मसल्स कहलाती हैं। तो स्ट्रिप्ड मसल्स का हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ समझेंगे। यहाँ ये जो डायग्राम बना रखा है यह एक पूर्ण मसल का है, पूरी जो पेशी है उसका है, और उस पेशी के दो भाग होते हैं, एक तो होता है उसका मुख्य भाग और दूसरा जो आगे जाकर के पतला होकर के और हड्डी के साथ में जुड़ा रहता है, जिसको कहते हैं टेंडन। ये टेंडन जो दोनों तरफ स्ट्रिप्ड पतले होकर के और हड्डी के साथ में बंद बनाते हैं, ये टेंडन कहलाते हैं। ये वाला जो भाग होता है ये एक संपूर्ण मसल का है। इस मसल के अंदर कई सारे मसल फाइबर होते हैं, यानी किसी भी मसल का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है उसकी मसल फाइबर। तो उस मसल फाइबर के द्वारा कई सारे मसल फाइबर्स मिलकर के और एक मसल्स का निर्माण करते हैं। अगर हम उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेकर के और देखते हैं, यानी ये एक मसल फाइबर है, इसको हमने अलग करके और देखा है, वो ये मसल फाइबर है। अब ये जो मसल फाइबर है यह भी फर्दर जो बेसिक यूनिट्स है, जो मायोफाइब्रिल्स है, उस मायोफाइब्रिल्स से मिलकर के और बनी रहती है। तो इसमें हम देखेंगे तो कई सारे मायोफाइब्रिल्स हैं जो मिलकर के और मसल फाइबर बनाते हैं, यानी ये मसल फाइबर है लगभग 50 से 100
माइक्रोन की मोटाई का हो सकता है। उसमें से ये जो फाइब्रिल्स है, जो इसके तंतु हैं अंदर, उन तंतुओं को अगर हम अलग से देखें तो उस तंतु की मोटाई होती है 1 से 2 माइक्रोन की। केवल 1 से 2 माइक्रोन मोटे ये तंतु एक लंबाई के अंदर, एक सीरीज के अंदर जुड़ करके, और ये मायोफाइब्रिल्स बनाते हैं। और ये मायोफाइब्रिल्स ही किसी मसल की संरचनात्मक इकाई होती है। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स है, उसको अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, अगर पोलराइज्ड लाइट के नीचे देखें, तो उसमें अलग अलग जोन दिखाई देते हैं, अलग अलग क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट उसके पूरी दिशाओं के अंदर एक समान रूप से फैलती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें डार्क होता है, यानी लाइट उसमें फुली पेनिट्रेट नहीं करती है, पूरी तरह से आर पार नहीं जाती है, उसके कारण वो कुछ क्षेत्र उसके डार्क दिखाई देते हैं, काले दिखाई देते हैं, गहरे दिखाई देते हैं। तो यह लाइट और डार्क, लाइट और डार्क, इस तरह के अल्टरनेट सीक्वेंस के अंदर ये पूरा मायोफाइब्रिल्स डिवाइड रहता है और इसी सीरीज के द्वारा ये बना हुआ रहता है। अब ये लाइट और जो डार्क जोन है इसके, वो क्या क्या है, वो उसको हम, ये जो इसका क्षेत्र है उसको अलग करके उसमें देखेंगे। क्योंकि मसल्स फाइबर, मायोफाइब्रिल और मायोफाइब्रिल जो है वो एक प्रकार की कोशिका है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, जिसको जिस उसको जो जो कोशिका है उसकी, उसको कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर यानी एक मसल कोशिका, और उस सार्कोमियर के चारों तरफ एक जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के द्वारा ये घिरा रहता है, जिस प्रकार से सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके समकक्ष मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं, जो कि ब्राउन ने इसको देखा था और इसका नाम दिया था। और उसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है, जो फ्लूड होता है, जो उसका साइटोप्लाज्म होता है, उसको यहाँ सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और उसके अंदर कुछ जो जो पार्टिकल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में, जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सार्कोसोम्स कहते हैं, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और वह एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार की सेल है, एक कोशिका है, मसल्स सेल है यह। तो इस मसल सेल के अंदर हम इसके जो संपूर्ण जो इसका स्ट्रक्चर है उसको अगर देखें तो उसको 2 भाग में डिवाइड करके हम इसको पढ़ सकते हैं। एक है इसका आई बैंड, यानी ये जो लाइट पोर्शन, इसका जो लाइट पार्ट है वो इसका आई बैंड। आई मीन्स आइसोट्रॉपिक बैंड, तो जो आइसोट्रॉपिक बैंड है वो आई बैंड कहलाएगा। उसके बाद में दूसरा एक बैंड जो है, जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये कहलाता है ए बैंड, यानी एन आइसोट्रॉपिक बैंड, यानी डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, आइसोट्रॉपिक यानी आई बैंड, एन आइसोट्रॉपिक यानी ए बैंड। तो इस तरह से पहले आई बैंड, उसके बाद में फिर ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, इस तरह की सीरीज लगातार चलती रहती है मायोफाइब्रिल के अंदर। तो ये जो पूरा मायोफाइब्रिल है उसको हम अच्छे से, जो पोलराइज्ड लाइट है, जो लाइट माइक्रोस्कोप,
उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें ये वाला जो भाग है उसको फर्दर हम और इसकी उसको जो विस्तार से अगर समझना चाहें तो हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये जो आई बैंड है, आई बैंड एक बीच में एक लाइन के द्वारा डिवाइड रहता है, एक डार्क लाइन के द्वारा डिवाइड रहता है जिसको कहते हैं जेड लाइन, यानी ये जेड लाइन, और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाता है आई बैंड, जेड लाइन के पहले और जेड लाइन के बाद में यहाँ पर आई बैंड है, ये पूरा आई बैंड है जो कि इस क्षेत्र को दर्शाता है। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है जो ए बैंड है ये पूरा यहाँ से लगा करके और यहाँ तक ये ए बैंड है, और ए बैंड के अंदर इसके दो भाग हैं। एक तो इसका बीच वाला भाग जो इस पूरे ए बैंड के अंदर कंपेरेटिवली कम डार्क है। कम डार्क क्यों है? कम डार्क इसलिए है कि यहाँ पर ये जो इसके फाइबर्स हैं वो डबल हो जाते हैं दोनों ही तरफ के, इधर जो जेड लाइन है उसके साथ जुड़े हुए फाइबर और इसके साथ में बीच में जो ए बैंड है उसके फाइबर, तो ये दोनों जो है ये यहाँ टच नहीं होते हैं, बीच में जो स्थान होता है उसके कारण ये कंपेरेटिवली ए बैंड के अंदर एक लाइट डार्क क्षेत्र होता है जिसको एच बैंड कहते हैं, हैंसन बैंड, एच बैंड जो कि हैंसन बैंड के नाम से हैं इसलिए इसको एच बैंड कहा गया है। और ये जो वापस ए बैंड उसके बाद में फिर आई बैंड, जैसा कि यहाँ पर ये पूरा ए बैंड है, ए बैंड के बाद में वापस आई बैंड है, तो यह आई बैंड वापस जेड लाइन से डिवाइड हो रहा है, फिर इसके बाद में फिर है जो ये आई बैंड आ गया। इस तरह से एक ये इसकी जो सीरीज है वो इसकी चलती रहती है, एक के बाद में दूसरा इसी तरह से रिपीट होते रहते हैं यह बैंड, और इसके कारण ही इसको स्ट्रिप्ट मसल कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, जो कि बोन्स के साथ में जुड़ी हुई रहती है। और जब ये जो मायोफाइब्रिल्स है ये मिल करके और पूरा एक मसल बंडल बनाते हैं, और ये मसल्स बंडल मिल करके एक कंप्लीट मसल बनाती है, तो इस प्रकार का मसल का एक स्ट्रक्चर होता है जो अल्टीमेटली एक मसल सेल के द्वारा बना हुआ होता है, यानी बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वह है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट वो सार्कोमियर है, एक मसल सेल है। अगर हम इसको टीएस के रूप में देखें तो ये जो लाइंस है इसकी जो स्ट्रिप्स है वो किसके कारण होती हैं वो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये छह फाइबर्स जो हैं ये फिलामेंट्स, बड़े फिलामेंट हैं और उसमें बीच में स्मॉल फिलामेंट है, ये मिलकर के और इस मसल सेल को कंप्लीट बनाते हैं, यानी एक मसल सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म के अंदर ये फाइबर्स जो हैं ये इस प्रकार के अरेंजमेंट के अंदर पाए जाते हैं। धन्यवाद।